हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इसका और इसका ध्यान दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, सर से लेकर आपका जो टोनेल है वही आपको लेके जाएगा स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लिथुवेनिया, लाटविया, ये सब आपको यही लेके जाएगा। इस टेंशन भरी वीजा वाली जिंदगी में इसको मत भूल जाइएगा। अच्छा खाना खाइए, रोज वर्जिश करिए, अच्छे अच्छे ख्याल सोचिए और फिट रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी बॉडी आपके साथ देगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देख लिया होगा। अब देखिए, लग्जमबर्ग में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आजकल बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, मैं सबको सलूट करता हूँ। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, लग्जमबर्ग में जॉब ढूंढने का सबसे सही तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा। कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं पहले जूम करके दिखाऊंगा, कैमरा दिखाइए क्या है। ADEM दिखाई दे रहा है आपको, ADEM दिखाई दे रहा है। ये ADEM कुछ याद आया, कुछ याद है ADEM क्या था? ADEM है आपका लग्जमबर्ग, द ग्रैंड डिकी ऑफ लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग गवर्नमेंट का जॉब देने वाला, नोटिफिकेशन निकालने वाला जो ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है वो है ADEM.public.lu। देखिए ये है, दिखा आपको, थोड़ा और जूम करता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ADEM.public.lu दिख रहा है, ये देखिए ADEM.public.lu, देखिए ये है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए ADEM.public.lu, सिंपल आदमी हो फ्रेंड्स, सिंपल तरीके से वीडियो बनाता हूँ, कोई सस्पेंस कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये बोल क्या रहे हैं ADEM वाले, खुद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या देखिए। मैं आपको जरा एक बार इसको थोड़ा घुमा के दिखाऊंगा तो शायद अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं ADEM वाले, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी शायद दिखाई देगा, दिख रहा है कैमरा में क्या बोल रहे हैं ये। चेक न्यूज़पेपर्स एंड, समझ गए आप, चेक न्यूज़पेपर्स एंड वेबसाइट फॉर जॉब ऑफर्स। ये देखिए, जैसे वो सीरियल में होता है ना, तीन बार दिखाते हैं, टैं टैं टैं, मैं आपको तीन बार दिखा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। ADEM बोल रहा है चेक न्यूज़पेपर्स एंड वेबसाइट फॉर जॉब्स। अब आपको थंबनेल समझ में आया कि बेस्ट प्लेस टू सर्च फॉर जॉब्स कहाँ पे है, न्यूज़पेपर में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने खुलेगा, देखिए ये ऐसे खुल जाता है आपके सामने, ये जो ADEM की वेबसाइट है, ये देखिए ADEM.public.lu, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे करके बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ गए आप, गवर्नमेंट आपको खुद बोल रही है। अब देखिए कौन कौन से न्यूज़पेपर्स हैं। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर है वो है लग्जमबर्ग वॉट, ठीक है, लग्जमबर्गर वॉट, ठीक है, जो खाने वाला बर्गर होता है वो वाला, ठीक है, लग्जमबर्गर वॉट, ठीक है। अगर आपकी साइट देखना चाहते हैं तो उसकी साइट आपको ऐसी दिखाई देगी फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आपको साइट दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है, शायद कैमरे में दिख रही होगी फ्रेंड्स, अभी देखिए, अगर अभी दिख रही होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लग्जमबर्गर वॉट है फ्रेंड्स, नहीं दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा रेजोल्यूशन कम है। ये जो साइट है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बटोर रही है, ये देखिए लग्जमबर्गर वॉट, यहाँ पे क्लासिफाइड सेक्शन में सारी जॉब्स आती हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, जब आप इसके साइड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लग्जमबर्ग करके ऑप्शन आता है, ये देखिए, जब आप इस पे लग्जमबर्ग पे क्लिक करेंगे तो लग्जमबर्ग में जो भी लेटेस्ट चीज हुई है वो यहाँ पे आती है, ठीक है, कोई अगर लेटेस्ट जॉब आई है वो आई है तो सब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। एक हो गया लग्जमबर्ग अवार्ड, हो गया आपका पहला न्यूज़पेपर। दूसरा है आपका शनिवार के दिन, ऑन सैटरडेज, एक चीज को अप्रिशिएट करेगा लग्जमबर्ग, हमसे 4.5 घंटे पीछे है तो वो चीज को अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बज रहा है तो वहां पे 4.5 घंटे पीछे देखिएगा, ठीक है। सैटरडेज को टेक ब्लैट करके एक न्यूज़पेपर है, वो आप चेक कर सकते हैं, TakeBlack.lu, यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखिए इसका हेडिंग ऐसे दिखेगा आपको कुछ, ये देखिए TakeBlack.lu दिखाई दे रहा है कैमरे में, इसका आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही होता है। ये देखिए, ये TakeBlack.lu, ये ऐसा पेज आपको दिखेगा, यहाँ पे आपके आके आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए लेट्स बर्गर लैंड करके है, वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, www.land.lu उसका नाम है, land.lu, यहां से आके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। ये देखिए क्लासिफाइड सेक्शन में जाके land.lu, यहां पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखिए मेनू कंटेंट में क्लिक करेंगे, ये देखिए यहां पे ये सारी चीजें आती हैं, यहां पे आके आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट बोल रही है फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट बोल रही है वो बोलिए एल एसेंशियल करके है, ला एसेंशियल, एल एसेंशियल, जो भी आप बोलिए, लेसेंशियल बोलिए, lessential.lu, वहां भी आके आप जॉब ढूंढ सकते हैं फ्रेंड्स, यहां भी ये लोग डालते हैं पूरी। ये देखिए, ये इसका पेज ऐसा दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है बार बार, जब भी मैं दिखा रहा हूँ उसमें एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब देखिए फ्रेंड्स, एक और मैं आपको चीज यहाँ दिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक
यूरोप ने हर कंट्री के लिए वेबसाइट बनाई हुई है जॉब ढूंढने के लिए। एक मैं आपको साइट दिखाने वाला हूँ, jobsinluxembourg.eu, ये देखिएगा, दिख रही है क्या मैं जॉब्स इन लक्जमबर्ग। देखिए ये साइट शुरू ही होती है क्या बोलते हुए, लेट्स फाइंड योर ड्रीम जॉब। देखिए यहाँ पे मतलब आपके सपनों की नौकरी, आपको क्या करना है, जॉब टाइटल कीवर्ड डालना है लक्जमबर्ग, इन्होंने अपने आप डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे अपने आप लक्जमबर्ग डाला हुआ है क्योंकि साइट का नाम ही है jobsinluxembourg.eu, मतलब यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए ट्रेंडिंग जॉब्स में कौन कौन सी है, ये यहाँ पे रोज अपडेट होता रहता है। नीचे देखिए जो ट्रेंडिंग जॉब्स है, जरा दिखाई दे रहे जो ट्रेंडिंग जॉब्स है, ये रोज अपडेट होती है यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन की सबसे आगे चल रही है, ट्रेनिंग की बात में, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, एजुकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब लोग ये सारी जॉब्स अभी ढूंढ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, जॉब टाइटल में आके अपने हिसाब से जॉब डाल सकते हैं, लक्जमबर्ग उसमें दिया हुआ है, सर्च मारिए आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। जॉब मिल जाएगी मतलब आपको जॉब मिलेगी, आप अप्लाई करेंगे, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, सीवी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको जॉब सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। अब देखिए जो भी लेटेस्ट जॉब्स होगी वो यहाँ पे नीचे लिखी हुई आती है, जो भी लेटेस्ट जॉब है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे और क्या है इन्फॉर्मेशन दूसरी, अगर आपको वेबसाइट से ढूंढना है तो moviejob.com करके, ये आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स में देखा होगा, मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, moviejob.com करके, ये देखिए ऐसी दिखती है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप यहाँ पे moviejob.com। फ्रेंड अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए moviejob.com, ठीक है, ये भी वेबसाइट है। फ्रेंड नहीं दिख रहा होगा तो आई एम सॉरी, moviejob.com, ठीक है, ये है। अब देखिए फ्रेंड मैं आपको एक आर्टिकल यहाँ दिखाऊंगा जहाँ पे, ठीक है, jobfinder.lu, ये भी एक बहुत ही अच्छी साइट है जहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होता है, फाइंड द राइट, लेट अस फाइंड हेल्प यू फाइंड द राइट टैलेंट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयर्स आके अपना एडवर्टीजमेंट पोस्ट करते हैं, ठीक है, ये देखिए, और वो पे करते हैं न्यूज़पेपर को एडवर्टीजमेंट, क्या मैं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये पे करते हैं न्यूज़पेपर्स को अपना एडवर्टीजमेंट डालने के लिए, ठीक है। जॉब फाइंडर डॉट एल यू, यहाँ पे भी आके आप जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको अपने आप सारी चीज़ें करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैं एक चीज़ में बताना चाहूँगा, मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ और भी मेरे भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स के लिए वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत क्यों करते हैं, हम सब मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। आप मेरा वीडियो देखिए, किसी और का देखिए, और किसी का देखिए, लेकिन वो वीडियो का इस्तेमाल तो करिए भाई, सिर्फ वीडियो देख के घर पर बैठ जाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर समझ लीजिए एक आदमी घर पे बैठा है, बोल रहा है मैं बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना है, लेकिन वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा, तो बॉडी बनेगी नहीं बनेगी, आपको रोज 100 पुशअप माननी पड़ेगी, 200 पुशअप माननी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा तभी बॉडी बनेगी। वैसे ही आपकी जॉब के लिए भी है, अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं कर सकते तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, तो अगर आप घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं किसी एजेंट को पैसे देके पहुंच जाऊंगा, आप पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा, आपने मेहनत तो कुछ की नहीं होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कुछ होगा नहीं, आप ऐसे ही जाके वहाँ पड़े रहेंगे, जो आपको बोला जाएगा गधे की तरह आप करते रहेंगे। देखिए सॉरी मेरी लैंग्वेज का बुरा पानी का, मुझे लगता है कि समझाने के लिए यही तरीका सबसे अच्छा है। लाइफ में फ्रेंड्स चालाक बनिए, अपना करियर खुद प्लान करिए, ठीक है, दूसरों पे उंगली मत उठाइए, पहले देखिए कि हम कैसे हैं, आप खुद अच्छा बनिए, उसके बाद देखिए लोग कैसे आपको फॉलो करेंगे, ठीक है, बहुत हो गई लेक्चर वाली। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ, लक्जमबर्ग में मैंने हमेशा बोला है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नेशनल वीज़ा जो वर्क के लिए होता है, डी वीज़ा जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको एक और पेज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आज सब कुछ प्रूफ लेके आया हूँ CID की तरह, ये देखिए दिख रहा है कैमरामैन ने हाँ बोल दिया, मतलब दिख रहा होगा, देखिए अब यहाँ पे ये देखिए हाउ डू आई अप्लाई करके दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है कैमरा में हाउ डू आई अप्लाई। अब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, देखिए बिफोर इंटरिंग द कंट्री द पर्सन कंसर्न्ड मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन टू द इमिग्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर्स, बी इन पोजिशन ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट, आफ्टर दैट द पर्सन विल रिसीव अ टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन टू स्टे एंड देन ओनली He can apply for a long-term visa D. ये देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिख रहा है कैमरा में, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन को थोड़ा
बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन स्टेट, और ये कौन है ये आर्टिकल भी दिखा देता हूँ, ये देखिए लक्जमबर्ग ट्रेड एंड इन्वेस्ट का, यहाँ कैमरा में दिखाइए ट्रेड एंड इन्वेस्ट दिख रहा है, ये लक्जमबर्ग ट्रेड एंड इन्वेस्ट का इमिग्रेशन का आर्टिकल है, एक बार यहाँ पे भी जूम कर दीजिए फ्रेंड कैमरा में दिखा दीजिए, ठीक है देख गया। तो देखिए आप सोचिए टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन स्टेट कितना इंपॉर्टेंट है, आपने जॉब ले ली सब कुछ ले लिया लेकिन अगर आपने इसके बारे में बात नहीं किया, और ये मत सोचिए कि इम्प्लॉयर आपको देगा, आपको ये करवाना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपकी डिटेल भरी जाती है, समझ गए, उसमें आपकी एजुकेशन क्या है, आपने क्या क्या किया है, स्किल है अनस्किल है, ये सब कुछ उसमें भरा जाएगा, तो आपको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो अगर आपने लक्जमबर्ग के बारे में सपना देखा है तो सपना सच करने का ये तरीका है टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन स्टेट। मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स आपको जॉब कैसे पता करनी है सब कुछ है। अब देखिए फ्रेंड फिर से थोड़ा मैं अपने फायदे का बात करूँ जो हर वीडियो में करता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको टूरिस्ट वीज़ा, अगर आप देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप लक्जमबर्ग जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, क्योंकि लक्जमबर्ग में वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, मैं लक्जमबर्ग जा चुका हूँ फ्रेंड्स, वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फेस टू फेस मिलना पसंद करते हैं। बेस्ट क्या होगा टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पहुँचिए, एम्प्लॉयर से फेस टू फेस बात करिए, बोलिए सर मैं मेरा ये एक्सपीरियंस है सर, मैं आपके साथ जॉब करना चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा है, ठीक है आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आप मतलब आप अच्छे लगते हैं, मतलब आपकी कंपनी अच्छी लगती है, मैं यहाँ जॉब करना आता हूँ, इस तरह से बात करिए। फेस टू फेस बात करने का फ्रेंड्स बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है अपना सीवी दीजिए, कवर लेटर दीजिए, एम्प्लॉयर आपसे फेस टू फेस बात करेगा, बीच में कोई एजेंट कोई नहीं होगा, आप अपना वर्क वीजा खुद बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको फाइल बनवानी है पूरी तो फ्रेंड्स हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम एकदम अच्छी फाइल आपको बना के देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तरीका था लक्जमबर्ग में जॉब ढूंढने का, ऐसे जॉब ढूंढिए, ठीक है टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन ले लीजिए, और अगर आपको लक्जमबर्ग जाना है अपने आप तो सोचिए इस बारे में लक्जमबर्ग टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा कन्वर्ट कराने का। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।